फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामला जहां एक और सियासत में गरमाया हुआ है, जहां ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, वहीं एक खास कोतवाली में भी ये मामला पहुंचा है और इस कोतवाली में इस केस का पहुंचना खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चलिए सबसे पहले आपको इस खास कोतवाली की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखकर चौंक गए होंगे, ये हैं काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव, जिन्हें बाकायदा वर्दी पहनाकर बना दिया गया दारोगा। गर्भगृह में कोतवाली सजाई गई, बाकायदे बाबा के आगे टेबल, कागज, कलम, दंड, बेल्ट सब कुछ वैसे ही रखा गया जैसे थानों में कोतवाल के आगे होता है। और इतना ही नहीं, बाबा के सिर पर यूपी पुलिस की टोपी और कंधे पर 3 स्टार यूपीपी और नेम प्लेट लगाई गई। अब जब कोतवाली सज गई तो अर्जियां लगाई गई दो, एक तो कोरोना के खात्मे के लिए, दूसरा पंजाब में जो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर। सुनिए इस बारे में क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी। हमारे देश में क्या पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना महामारी के साथ ही पंजाब में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है, उसी के संदर्भ में बाबा का आज कोतवाल के रूप में पहली बार अपने कोतवाली में बैठकर बाबा जन सुनवाई कर रहे हैं। और इस घटना का हमने बाबा के सामने अर्जी भी दिया कि बाबा इसमें जो जिन लोगों का साजिश हो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ताकि ऐसा भारत के अंदर फिर कोई घटना न घटे। साथ ही कोरोना महामारी इत्यादि के समन के लिए बाबा से अर्जी लगाई गई। बाबा काल भैरव एक काशी के कोतवाल कहे जाते हैं और इनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ का चार्ज दिया और यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया है भगवान शंकर ने। और कोई भी अर्जी जब तक आप कोतवाल के पास नहीं लगाएंगे तब तक उसका कोई मान्य नहीं होता है, आप लाख चले जाइए। तो उसी तरह आज हम लोगों ने यहाँ एक अर्जी लगाई है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर जिस तरह षड्यंत्र की तरह जिस तरह हमला किया गया, उससे बाल बाल बाबा काल भैरव ने उन्हें बचाया, क्योंकि वो अभी 15 दिन पहले 13 तारीख को बाबा का दर्शन करके गए थे। उस दिन उनका एक विशेष पूजन काल भैरव मंदिर में हम लोगों ने कराया था। और आगे आज हम लोगों ने जो दरखास्त लगाया उसके साथ साथ ये भी दरखास्त लगाया, जिसने भी इस तरह का कर्म किया है हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं, जो काशी के बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर जो इस तरह का षड्यंत्र किया है, उसे आज बाबा का इसीलिए श्रृंगार किया गया है कोतवाल के रूप में कि उसको दंड दे। तो सुना आपने, महंती जी का कहना है कि भाई अभी कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी आए थे तो बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई थी, इसीलिए ही बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी साजिश थी और बाबा इस साजिश का पर्दाफाश कर दोषियों को दंडित करेंगे। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। आज बाबा की जो बिल्कुल नए कोतवाल के रूप में दर्शन हो रहा है, मुझे देखे बहुत अच्छा लगा है और मैं बस यही कामना करती हूँ कि ये कोतवाल के रूप में प्रधानमंत्री जी की रक्षा करें और उनकी दीर्घायु की कामना करूंगी मैं। और बिल्कुल, जो इस घटना में दोषी है उनको सजा भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल बाबा उनको जरूर सजा दें। बाबा का ये पहली बार वर्दी में श्रृंगार किया, कोई काशी के कोतवाल हैं ये भव्य दृश्य देखने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश से भी लोग आए हैं, जो इनका अद्भुत और अविस्मरणीय छवि को अपने आँखों में कैद करके यहाँ से ले आ रहे हैं। बाबा का दर्शन करने के लिए आज लंबी कतार लगी हुई है, बाबा का पहली बार वर्दी स्वरूप देखने के लिए आज भक्तों की वजह से ये वर्दी बाबा को पहनाई गई है। वो इंसाफ करेंगे पीएम मोदी के साथ जो घटना हुई है उसको लेके वो इंसाफ करेंगे बाबा। लोगों की दुआ और बाबा का जो आशीर्वाद रहेगा तो जरूर इंसाफ होगा। आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी और इसको लेकर थाना कुलगढ़ी पुलिस ने 150 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर मामला भी दर्ज किया था और साथ ही साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत जांच करने की बात कही गई। तो देखिए कि किस तरह से एक तरफ
आस्था है। आपने देखा भी था कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी नेता पूजा पाठ करते नजर आए थे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए, और बयानबाजी भी खूब हो रही थी। तो उम्मीद करते कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देखते रहिए यूपी तक।